जय श्री कृष्णा। एक साधना है कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना कोई साधक अगर सिद्ध कर लेता है तो वह किसी भी व्यक्ति का वर्तमान और भूतकाल की जानकारी जान सकता है, तुरंत जान सकता है। वर्तमान में उसके जेब में कितने पैसे हैं, उसके नंबर क्या है नोट के, क्या खाकर आया है, ये भूतकाल की जानकारी हो गई। और कहाँ कहाँ पर वह व्यक्ति गया था, किससे मिलकर आया है, यह सारी जानकारी साधक जान सकता है अगर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि उसने किया है तो। कर्ण पिशाचिनी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। जब मैंने कर्ण पिशाचिनी पर शोध किया तो मुझे 1000 मंत्र कर्ण पिशाचिनी के मिले। उनमें 108 प्रकार की पिशाचिनियाँ मिली, जैसे कर्ण पिशाचिनी, नटी पिशाचिनी, काम पिशाचिनी, चिची पिशाचिनी इत्यादि इत्यादि, जो हमारे पास गुप्त रूप में इनके मंत्र और इनके विधान रखे हुए हैं। मैंने 11 वर्षों तक इस मंत्र पर, इनके स्वरूप पर और इनके साधन पर रिसर्च किया है। इसके बाद मैंने तमाम प्रकार की साधनाओं को साधा भी और फिर उनको विलुप्त भी कर दिया। अगर आप भी इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दरबार चलाना चाहते हैं या किसी की सहायता करना चाहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करके, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नीचे डिस्कशन बॉक्स में संपर्क सूत्र दिया जाएगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमें सीधे कॉल करें। आपको मैं 7 दिनों में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवा दूंगा, ये मेरा वादा है गारंटी के साथ। भारत में कर्ण पिशाचिनी के कुछ ही जानकार थे, जैसे नारायण दत्त श्रीमाली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कर्ण पिशाचिनी के परम विद्वान थे। इस समय प्रेजेंट टाइम पर कौलांतक पीठाधीश्वर श्री सत्येंद्रनाथ जी कर्ण पिशाचिनी के परम जानकार हैं। कर्ण पिशाचिनी हृदय चक्र की देवी होती है। अगर इनके मंत्रों का जप करोगे तो हृदय चक्र आपका जागृत हो जाएगा। गुप्त जो मंत्र है, अगर गुरु प्रदत्त किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मंत्र लोगे तो हृदय चक्र जागृत हो जाएगा और फिर कानों में या हृदय में सामने वाले के भाव आपके हृदय में अनायास ही आने लगेंगे और आप बताने लगेंगे। एक और साधक थे, बस्ती के थे, यूपी के, वो अब नहीं है। और बाकी सब जो इस समय दरबार चला रहे हैं वो एक बहाना है, उनके पास कर्ण पिशाचिनी विद्या नहीं है। कोई और विद्या हो सकती है लेकिन कर्ण पिशाचिनी विद्या नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 7 दिनों में कैसे कर्ण पिशाचिनी आप सिद्ध करेंगे मुझसे दीक्षा लेकर के बाद। 7 दिनों में आपको मात्र 21,000 मंत्र जपना पड़ेगा। 31 माला आपको रोज करना है। कितना? 31 माला। जब आप मुझसे मंत्र विधान लेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको सबसे पहले मैं एक मंत्र दूंगा, वह 1 दिन की उपासना रहेगी। आप 1 दिन में 51 माला आप जप करके अगले दिन से रात्रिकालीन, यह जो मंत्र है कर्ण पिशाचिनी का, यह रात्रिकालीन आपको जप करना पड़ेगा। कर्ण पिशाचिनी के जो मंत्र हैं वह स्वयं सिद्ध हैं, नाश से पूजा ध्यान। इनके मंत्रों में किसी प्रकार की अन्य पूजा ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे गुरु प्रदत्त मंत्र आप जपते जाएंगे वैसे ही आपकी अंतःकरण की जो शक्ति है वह बढ़ती जाएगी और आप दूसरे के मनोभाव को समझने लगेंगे। किसी भी व्यक्ति के भूतकाल वर्तमान काल की जानकारी स्वतः आप जानने लगेंगे। भविष्य का ये कर्ण पिशाचिनी संकेत देती है, भविष्य नहीं बता पाती, परंतु अगर आपका इष्ट बल मजबूत है, कर्ण पिशाचिनी के साथ साथ आप अगर आपके जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों का विशेष जप किया है तो भविष्य भी आप बता सकते हैं, इनमें दो राय नहीं है। 7 दिन की ये साधना होगी जब आप हमसे दीक्षा लेंगे। 7 दिनों में 21,000 मंत्र आपको जपने हैं। लाल वस्त्र, लाल आसन, रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। घर में एकांत कमरे में साधना करेंगे। अगर आपको घर में माहौल नहीं मिलता है तो किसी शिवालय में जा करके एकांत जगह बैठ करके रात्रि 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप साधना प्रारंभ करेंगे। साधना में आप एक दीपक जलाएंगे, दीपक तिल के तेल का होगा या शुद्ध सरसों के तेल का होगा। दीपक जलाने के बाद आप भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे, गुरु के मंत्रों का जप करेंगे। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी का जो मूल मंत्र है वह आप मुझसे प्राप्त करने के बाद आप उस मंत्रों का जप करेंगे, 31 माला जप करेंगे। ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, 31 माला जप के बाद हाथ में जल लेकर के कर्ण पिशाचिनी को मंत्र समर्पित कर देंगे कि हे देवी, जो मैंने आप का जप किया है उसे आप स्वीकार करें। समर्पित करने के बाद पुनः आप वहीं जहाँ पर साधना करेंगे वहीं सो जाएंगे या घर पर भी आ सकते हो। आपके जब दीक्षा लेंगे तब हम बताएंगे किस प्रकार कैसे क्या करना है। आप घर पर भी सो सकते हो, वहाँ भी सो सकते हो। इस प्रकार 7 दिनों तक साधना आपको करनी है। 7 दिनों के बाद 8वें दिन एक छोटा सा हवन करना है। आम की लकड़ी में 5 किलो आम की लकड़ी लाएंगे, 1 किलो तिल लाएंगे और साकिल्या मिला करके आप 1008 मंत्रों से कर्ण पिशाचिनी के
जो मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों से अग्नि का आवाहन करके आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद रक्त चंदन जो है रुई में रक्त चंदन लगा करके कान के ऊपरी भाग पर लगाओगे तो कान में आवाज़ आने लगी, अर्थात प्रत्यक्षीकरण देवी का नहीं होगा, मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाएगा और मंत्र के प्रभाव से कान में आवाज़ आने लगेगा। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको 1,25,000 जप करना पड़ेगा। जब आप 1,25,000 जप करेंगे तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण यानी सहशरीर कर्ण पिशाचिनी देवी सामने उपस्थित होगी, जिसका स्वरूप नीला है और धूम्र रंग की ज्वाला इस देवी के शरीर से निकलती रहती है। लेकिन मैं कहूँगा प्रत्यक्षीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 7 दिनों में ही कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी और 21,000 मंत्र ही जपने पड़ेंगे। इधर नवरात्रि आ रहा है 22 तारीख से, तो फटाफट देर मत करिए, नवरात्रि से पहले कर्ण पिशाचिनी की दीक्षा हमसे प्राप्त करिए और 7 दिनों में ही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके आप त्रिकालदर्शी बन जाइए। नमस्कार।